नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 में। आनंद प्रकाश मंजरी, निखत रहमान जी, नीतू कुमारी जी, धीरज कुमार जी, पिंकी, नीतू, देवांशु सिंह, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, और तैयारी भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। चलिए नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वेट कर लेते हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आज इजी चैप्टर है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र यानी दोस्त, ये चैप्टर है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, और बाकी क्या कह रहे हैं, जियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक री करें प्लीज। री मतलब नो साउंड, नहीं साउंड वाउंड सब सही है, साउंड वगैरह सब सही है। एक बार अगर साउंड में दिक्कत आ रही है तो जरा आप लोग एक बार कर देंगे सेशन को, वो रिज्वाइन करेंगे। चलिए ठीक है ना, स्टार्ट करें। अच्छा किसी ने पूछा रोपड़, रोपड़ कृषि पूछ रहा है कोई। रोपड़ कृषि मतलब जैसे जितनी बागानी कृषि है, बागानों में जो लगाई जाती है, जैसे चाय, चाय का बागान होता है, कहवा बागान होता है, तो चाय, कॉफी या कहवा, ये सभी जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। जी जी मनीषा जी, खत्म हो चुका है। चलिए आशा करता हूँ सभी लोग आ चुके हैं, तो स्टार्ट करें, ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, नहीं एस्ट्रोनॉमी में नहीं पढ़ाऊंगा, चलिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ दोस्तों, पीपीटी बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे देखेंगे, दिख रहा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स ईवीएस के अंतर्गत ये जो है प्रवेश जी, जितने इम्पॉर्टेंट पासेस थे उनको मैंने करा दिया है ना। तो जो मान लीजिए आपको लगता है दो चार पास लिख लेना चाहिए, उसको अपनी नोट्स में आप लोग लिखिए, मेंशन करते रहिए, जो बाकी जितने इम्पॉर्टेंट हैं वो सब हो चुके। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक नया चैप्टर। आप लोग जैसा कि पिछली क्लास मैंने बताया ईवीएस वाले में, कि आप लोग अभी सिर्फ समझेंगे, पूरी प्रॉपर नोट्स विथ जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब लिखे हुए नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपको दूंगा क्लास में। और इससे रिलेटेड मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स पे ईवीएस से रिलेटेड, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ एमसीक्यूज मैंने बनाया है जो आप लोग करेंगे सॉल्व, कुछ होमवर्क है, कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, तो क्लियर है सब कुछ, ऑडियो वीडियो में किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए जो कंपलसरी पेपर है ना उसमें ईवीएस का पोर्शन है, उसमें ईवीएस का पोर्शन है, आप समझिए इस बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाई हमारी फैमिली होती क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फैमिली के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि परिवार जो है क्या है, मनुष्य सहित सभी जानवर अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जानवर और मनुष्य अपना परिवार बनाते हैं, ठीक है, एक परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के साथ रक्त संबंध होता है, परिवार कुछ बच्चों को गोद भी लिया जा सकता है, परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा गया, परिवार होता है छोटा बड़ा या उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है,
क्लियर। जितने भी परिवार सदस्य हैं एक दूसरे के साथ रक्त संबंध से जुड़े होते हैं तथा परिवार में कुछ बच्चों को गोद भी लिया जा सकता है। बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, आप लोग जानते हैं, तो इतना ये टफ नहीं है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अगर आप लोग देखते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ बताता चलूंगा, आप लोग अच्छे समझते रहिए और ये पीडीएफ पूरा हूबहू आपको नोट्स में दे दूंगा। नेक्स्ट, तो अगर आकार के आधार पर हम बात करें दोस्तों, तो मानव परिवार दो प्रकार के होते हैं। यहाँ सिर्फ मानव की मैं बात कर रहा हूँ अभी। मानव परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। आप लोग जानते होंगे एकल परिवार का मतलब माता है, पिता है और उनके बच्चे हैं, और संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चे और उनके चाचा ताई ताऊ सब रहते हैं। तो बस वही चीज़ है। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है माता पिता और बच्चे इस परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह परिवार छोटा होता है, संख्या के दृष्टिकोण से कैसा होता है, छोटा होता है। और संयुक्त या विस्तारित परिवार जिसको बोलते हैं ज्वाइंट एक्सटेंडेड फैमिली, उसमें दादा दादी चाचा चाची पिता माँ बच्चे नाना दादी मामा चाचा सब लोग होते हैं। तो एक परिवार के सदस्यों को एक ट्री चार्ट द्वारा दिखाया जाता है जिसे फैमिली ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे फैमिली ट्री। अब इसे मान लीजिए फैमिली ट्री में सबसे ऊपर यहाँ पर हो गए मान लीजिए दादाजी, ठीक है, दादाजी के बाद यहाँ पर हो गए पिताजी, चाचा, बुआ, ठीक है। अब पिता में जितने भी संतान है वो, ये पूरा क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। उसी ट्री की बात करें, ट्री चार्ट। नेक्स्ट, फैमिली ट्री में न्यूक्लियर फैमिली कुछ इस प्रकार से ट्री बनेगा, जैसे मैंने बताया अभी फैमिली का आपने देखा कि जो संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर में यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड वन चाइल्ड टू और पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स यानी माता पिता, इस प्रकार से एक ट्री बनता है। जॉइंट में दादा दादी ऊपर रहेंगे, फिर लेट अंकल या आंट रहेंगे, उनके चिल्ड्रंस होंगे, पेरेंट्स हैं उनके चिल्ड्रन हैं, अंकल आंट हैं उनके चिल्ड्रन हैं, आंटी या बुआ जिसको बोलते हैं वो है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी हैं, मामा जी हैं जिनको आप मैटरनल अंकल बोलते हैं, पेरेंट्स हैं आंटी हैं मौसी मतलब, और इनके सब चिल्ड्रन। इस प्रकार से ट्री बनता है दोस्तों। यहाँ तो बातें क्लियर हैं, कुछ समझने लायक कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है। ऑडियो वीडियो सब गायब हो गया, क्या बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, सारा सिलेबस दिया गया है। आप जब अच्छे ढंग से नोटिफिकेशन आप देखेंगे, जिसने भी लिखा है मैं नाम तो नहीं देख पाया, जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, सिलेबस वो टीचर्स के लिए नहीं होता है या आपके पड़ोसी के लिए सिलेबस नहीं, आपके लिए वो नोटिफिकेशन जो आता है वो आपके लिए होता है। नोटिफिकेशन को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो सारा सिलेबस उसमें क्लियर है, ठीक है। हाँ, प्राथमिक वालों के लिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी साथियों, प्राथमिक पीआरटी की जो तैयारी करें। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिवार मतलब कि परिवार बदलता रहता है, यानी परिवार के सदस्यों की संख्या घट या बढ़ सकती है। जब परिवार कोई सदस्य जाता है या कोई सदस्य मर जाता है तो संख्या कम हो जाती है, जब कोई परिवार सदस्य कोई बच्चा पैदा होता है संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछे परिवार की संख्या घट बढ़ सकती है, घट सकती है बढ़ सकती है, इस टाइप में, ठीक है। परिवार कई सदस्यों की जैसी विशेषताएं हो सकती है, जैसे नाक आंखें रंग बाल आवाज मुस्कान उंगलियां भाव इत्यादि, एक जैसी विशेषताएं होती हैं क्योंकि अनुवांशिक विशेषताएं कुछ होती हैं, क्लियर। चलिए, ये विशेषताएं बच्चों में उनके माता पिता से आती हैं, माता पिता से वंश तक वंशानुगत पात्रों का संतान जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, क्लियर। अनुवांशिकता की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1822 में पैदा हुए ऑस्ट्रियाई ग्रेगर जॉन मेंडल ने को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक, उन्होंने मटर के पौधे को अपने प्रयोग पाया और पिछली पीढ़ियों की विशेषताएं अगली पीढ़ियों में होती, उन्होंने बताया मटर के पौधे पर रिसर्च करके, क्लियर। इसको आप हेरिडिटी या जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इसके फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। किस पर उन्होंने रिसर्च किया था, तो मटर के पौधे पर उन्होंने रिसर्च किया था,
जेनेटिक्स का। अब इसमें जो इन्होंने ग्रुप पाया, जैसे मान लीजिए मदर ओ है, फादर ओ है, तो चाइल्ड भी ओ होगा 100%। मान लीजिए मदर ओ है, फादर ए है, तो बच्चा 50% चांस है कि ओ होगा और 50% चांस है कि ए होगा। यदि मदर ओ है और फादर बी है तो 50-50 का परसेंट, मदर ओ और ए बी, तो ए 50 बी 50, सेम चीज वही दिया गया है। क्लियर? तो ये तमाम ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कंडीशंस कि भाई कैसे कैसे गुण होंगे माता और पिता के, किस प्रकार से बच्चा हो सकता है, ब्लड ग्रुप उसका कैसे होगा। तो आप जानते हैं ब्लड ग्रुप में क्या है, ब्लड ग्रुप में ओ सर्वदाता बोलते हैं इसको, सर्वदाता, और ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही। क्लियर है? चले आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ और वो दिए गए, हर परिवार ब्लड ग्रुप दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। हर परिवार अपने मानक होते हैं, कुछ परिवार दूसरे परिवार को अपने हीन मानते हैं, यहाँ तक कि कुछ परिवारों के सदस्य अन्य परिवारों में पानी नहीं पीते या उनके साथ भोजन नहीं करते हैं, यह भेदभाव है। कुछ परिवारों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग मानदंड है, लड़कियां लड़कों को दिए गए अधिकारों का आनंद नहीं लेती हैं, या लैंगिक पक्षपात, इसको लैंगिक पक्षपात बोलते हैं, भेदभाव और लैंगिक पक्षपात। चलिए सेम चीज आपको यहाँ पे इंग्लिश मिल जाएगा, एवरी फैमिली हैज इट्स ओन नॉर्म्स। नेक्स्ट, एक परिवार का कार्य क्या है, एक परिवार के कार्य क्या होते हैं समझिए आप। परिवार एक बच्चे का पहला स्कूल होता है, बच्चा परिवार से अपनी पहली सीख शुरू करता है और बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत, क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत परिवार से ही होती है। बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत किससे होती है, परिवार से ही होती है। हाँ, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ से चूंकि क्वेश्चन आते हैं पीआईटी में, तो थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। नहीं, एक झा जी देखना जरूरी है, बहुत तेजी के साथ हम देखेंगे फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब एक देखिए यहाँ पर, अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन आप गलती कर देते हैं। जैसे परिवार एक बच्चे के विकास में मदद करता है, माना जाता है एक बच्चा अपने परिवार के अनुसार विकसित होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया, एक बच्चा विकसित होता है परिवार के अनुसार, समाज के अनुसार, माता पिता के अनुसार, इस टाइप में दे दिया अगर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे परिवार। अब ऐसे अगर ऑप्शन बना दिया जाए तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाए, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, आप तुरंत लगाएंगे माता पिता के अनुसार, नहीं परिवार के अनुसार। क्लियर? बच्चे परिवार से सुख और दुख साझा करना सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार में अपनी संस्कृति सीखते हैं, अपने परिवार के साथ रहना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें फंक्शंस होते हैं। भारत में लड़के और लड़कियों की न्यूनतम जो विवाह योग्य आयु है वो क्रमशः, ये तो सब जानते होंगे भाई, 21 और 18। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था और 2007 में से लागू किया गया, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, ध्यान रखना। अब कुछ परिवार के अन्य विशेषताएं, जैसे वंशानुगत विशेषता, वंशानुगत संबंध जो होता है, परिवार में सदस्य अनुवांशिकता से एक दूसरे संबंधित होते हैं, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आर्थिक कार्य, परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आप नौकरी करेंगे तो ये बताइए, आप अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को पैसे देंगे, उनकी पढ़ाई देंगे, जो भी उनके दैनिक जीवन में खर्चे हैं उसको उठाएंगे, आर्थिक मदद हो। परिवार के सदस्य किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होकर पैसा कमाते हैं। देखिए विवाह की अनिवार्यता, प्रजनन करना मानव का अत्यंत आवश्यक कार्य है और किसी भी जीवित विवाह के लिए परिवार और वंश को आगे की पीढ़ियों तक ले जाने में मदद करता है। कौन? प्रजनन। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा, परिवार अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह सामाजिक सुरक्षा की मूल इकाई होती है। कौन सी इकाई? मूल इकाई। नेक्स्ट, विभिन्न विचारकों द्वारा परिवार के कार्यों को विभाजित किया गया है, जैसे मैक्यूवर ने कहा है, ने परिवार और कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया, किसने? मैक्यूवर, आवश्यक और गैर आवश्यक, आर्थिक कार्य, प्रजनन कार्य, शैक्षिक कार्य, यौन कार्य आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है, जबकि मनोरंजक कार्य गैर आवश्यक के अंतर्गत आता है। अब देखिए
अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए प्रजनन जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, ये सब आवश्यक में आ जाएगा। अब मूवी देखने चलते हैं, अब ये गैर आवश्यक काम है, इसको ना भी करेंगे तो सही। क्लियर? नेक्स्ट, ओकबर्न और निमकोफ ने परिवार के कार्य को प्रभावशाली, आर्थिक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक और मनोरंजक क्षेत्र में विभाजित किया। याद रखेंगे ओकबर्न, कौन? ओकबर्न। क्लियर? हंडबर्के ने परिवार कार्यों को चार भागों में विभाजित किया, यानी प्राथमिक समूह की संतुष्टि, सहयोग, श्रम का विभाजन और बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, यौन व्यवहार, प्रजनन का विनियमन, इतने प्रकारों में डिवाइड किया है हंडबर्ग। नेक्स्ट, बाल विकास में परिवार का योगदान क्या होता है? तो पहला, बच्चे का प्राकृतिक विकास उस परिवेश से प्रभावित होता है जिसमें बच्चा रहता है। बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक परिवार का कर्तव्य होता है। देखभाल कर रहे हैं कि क्योंकि ये कारक बच्चे के सारी विकास में मदद करते हैं, सारी गतिविधि वगैरह। नेक्स्ट, माता पिता के वंशानुगत लक्षण और माता पिता की शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अगर एजुकेटेड होंगे तो आपका बच्चे का परवरिश दूसरे अनुसार होगा, अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आपके बच्चे कुछ अन्य व्यवहार करेंगे। ठीक है, घर और आसपास के वातावरण का पर्यावरण के बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी परिवार के भीतर अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण बच्चे क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। परिवार क्या होता है, ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण और प्रथाओं के प्रशासन के लिए एक आवश्यक वाहन है। ये हो गया परिवार, फैमिली। क्लियर? फैमिली के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे फ्रेंड्स के बारे में। हम दोस्त बनाते हैं, लेकिन अब दोस्त के कौन कौन से कार्य होते हैं, मित्र के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सभी हम देखते हैं। मित्रों का कैसा हमारे ऊपर प्रभाव रहता है और इस सबको हम जानते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति जो है जिसके साथ आपसी स्नेह का बंधन होता है, आमतौर पर यौन या पारिवारिक संबंधों में से एक। जैसा कि हम जीवन के माध्यम जाते हैं, हमारे पास विभिन्न लोगों से मिलने का अवसर होता है, लेकिन कुछ दोस्त बन जाते हैं। भाई मिलते तो हम तमाम लोगों से, लेकिन कुछ लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, तो उनको हम दोस्त कहते हैं। सच्चा दोस्त खुशी और दुख साझा करता है, कठिन परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा होता है, सभी परिस्थितियों में रक्षा करने की कोशिश करता है। दोस्तों में एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान होता है, ये नहीं कि एक दूसरे खींचतानी करें, हमेशा लड़ते झगड़ते रहे, नहीं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल टाइम में, बचपन में फ्रेंड्स बन जाते हैं, कई जो है जीवन के अंतिम क्षण तक मौजूद रहते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। अब ये देखिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि अस्थाई प्रकृति होती, दोस्ती अस्थाई भी होती है। भाई ऐसा होता है कि भाई आप स्कूल में थे तो आपके कुछ घनिष्ठ दोस्त, अब आप कॉलेज में गए, कुछ अदर दोस्त वो सब छूट गए, फिर आप आगे चल करके जॉब में आए, कुछ अदर फ्रेंड्स हो गए, वो सारे छूट गए, तो ये अस्थाई और स्थाई दोनों हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार दोस्ती को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने कितने प्रकारों में विभाजित, कौन कौन से? उपयोगिता की मित्रता, पहला सुनिए ध्यान से, इस प्रकार की मित्रता में दो लोग अपने हित के लिए मित्र होते हैं। भाई हमारी नोट्स तुम लिख देना या हमारा अटेंडेंस तुम लगा देना, मैं तुम्हारा लगा दूंगा, ऐसा होता है, तो ये उपयोगिता की मित्रता। दूसरा, दोस्ती की खुशी, खुशी के लिए, इस तरह के लोग सामान्य रुचि और खुशी साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी खुशी के पल साझा करते हैं, तो ये प्लीजर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ प्लीजर कहलाता है। क्लियर, समझ रहे हैं? हाँ, चलिए आगे। अच्छे के लिए दोस्ती होती है जो फ्रेंडशिप ऑफ गुड होता है, अच्छे के लिए दोस्त मतलब इस तरह की दोस्ती में दो दोस्तों का एक दूसरे के लिए परस्पर प्रेम होता है, परस्पर प्रेम, इस प्रकार की मित्रता पारस्परिक हित और आनंद के कारण नहीं होती, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, भाई तुम मेरा काम कर दो मैं तुम, नहीं, ये प्रेम
परस्पर प्रेम होता है, एक दूसरे से, एक दूसरे के इमोशंस को हम समझते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे को हम दुखी नहीं देख सकते, खास तौर पर ऐसी मित्रता बचपन वाली मित्रता होती है। ठीक है, चलिए। अकेले मित्रता उस दुनिया में संबंध है जहां हम अपनी रुचि के आधार पर साथी दोस्त का चयन करते हैं। हर कोई अपनी पसंद के दोस्तों के लिए स्वतंत्र है और कोई भी अन्य व्यक्ति के साथ जबरदस्ती दोस्ती नहीं कर सकता। एक बच्चे के समग्र विकास पर मित्र एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। कहते नहीं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वही चीज। बचपन और किशोरावस्था में फलदायी सामाजिक संबंध एक बच्चे को बेहतर समग्र व्यक्तित्व विकसित करने में और बाद के मनोवैज्ञानिक विकारों से बचाने में मदद करते हैं। अब देखिए, रिश्तेदार और रिश्ते, रिलेटिव्स एंड रिलेशनशिप्स। रिश्तेदार क्या होता है? तो रिश्तेदार एक समाज या परिवार में वे व्यक्ति होते हैं जो रक्त संबंध, विवाह, भावना या भावनाओं आदि से जुड़े होते हैं। संबंध और संबंध विकास में बच्चे प्रभावित करते हैं, मतलब कि संबंध जो भी होता है आपका, रिश्तेदारी होता है, उनका भी प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। मामा का घर, मौसी का घर, बुआ का घर, ये कुछ प्रमुख रिश्तेदारियां होती हैं जहां से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। क्लियर। बाल प्रारंभिक संचार कौशल, कैसे बातचीत करना है, संचार कौशल के पारस्परिक संबंध विकसित करके उनके साथ बातचीत करते हैं और उनका अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि उनकी गतिविधियां कैसी और वैसी गतिविधि करने का प्रयास करते हैं। आप एक बच्चे को दिखाएंगे जीभ निकालना, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो जीभ निकालना सीख जाएगा। चलिए, तो बच्चे में जीवन के प्रति दृष्टिकोण, सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, सभी चीजें होती। नेक्स्ट, अब यहां पर आता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि एक परिवार, एक इकाई है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन है सही है? देखिए, चार ऑप्शन से चारों पढ़िए और आप लोग बताइए आपके अनुसार क्या हो सकता है। लेकिन कुछ के यहां पे आपको आंसर्स भी मिलेंगे। ए ऑप्शन, देखिए कई लोग सी कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं। देखिए यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, समझिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक परिवार, एक इकाई है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, ये कथन सही है? सी ऑप्शन ना, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन होगा, गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं, एकल और संयुक्त। अब जो ये क्वेश्चन है वो एकल परिवार की बात कर रहा है, समझ रहे? नेक्स्ट, यहां पे ध्यान देना है, इसका आंसर जो है, जो बी आंसर है, इसको आप सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, बी नहीं होगा बल्कि यहां पे सी होगा। इसको मैं गलत काट देता हूं, आंसर क्या होगा? सी होगा। अब बताइए, हर बच्चा अपने साथ एक विशेष रिश्ता साझा करता है, किसके साथ? माँ के साथ, दादा के साथ, चाची के साथ या फिर चाचा के साथ, बताइए। अब देखिए यही होता है, आपको टॉपिक बहुत इजी लगा लेकिन क्वेश्चन जब आएगा, जब उसके ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्या हो जाएगा? माँ। जितना माँ के साथ बच्चे का अटैचमेंट होता है, उतना दादा, चाचा या चाची के साथ नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें विषम को चुनना है, यानी तीन एक जैसे हैं, जो एक अलग, उसको संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, एकल परिवार या सैपलिंग फैमिली, बताइए क्या हो सकता है आपके आंसर? क्या हो सकता है?
डी। हाँ कुछ लोग सी बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग डी बता रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, ध्यान देना है। तो देखिए यहां पर डी होगा सैपलिंग फैमिली, बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन, तो वैसे ब्रदर और क्या हो जाएगा, माँ बहन चाची चाचा। आसान सवाल है, सभी लोग देखिए तगड़े तगड़े जवाब देंगे एकदम जोरदार तरीके से। देखिए बहन, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, रीजनिंग है, इसको आप लोगों ने सही बता दिया, बिल्कुल तो सही, बहन। नेक्स्ट, अब देखिए संयुग्मित परिवार के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है, विस्तृत है, एकल है, संजीदा है या मात्र सत्तात्मक है। संयुग्मित क्या हो सकता है आंसर, तो देखिए बहुत बढ़िया, कई लोगों ने देखिए आंसर दिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा भैया, एकल परिवार, क्या हो जाएगा, एकल परिवार। नेक्स्ट, व्हाट इज, यहां पर देखिए तेजी से व्यक्तिवादी पारिवारिक पैटर्न बढ़ने का कारण क्या होता है, मुक्त जीवन शैली कल्पना, जनसंख्या विस्फोट और मुद्रा स्फीति, पश्चिमीकरण का प्रभाव या ए और सी दोनों। ये थोड़ा टफ होगा आपके लिए, मैंने कहा था ये टफ होगा आपके लिए, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने आंसर यहां पे दिया है, क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, मानवीय संदर्भ में एक परिवार संबद्ध लोगों का एक समूह है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना ये कुछ मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये क्वेश्चन ये मैं दे देता हूँ, कुछ आप लोग करिएगा अपने मन से, ये करवा दिया जाए, करवा ही दिया जाए, चलिए। तो आंसर आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, ए ऑप्शन अगला बताइए, भारतीय परिवार का मूल स्वरूप क्या है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मात्र परिवार या इनमें से कोई नहीं। सर रहने दीजिए, बी ऑप्शन कितना बढ़िया, ये भारत यही ना, कुछ चीजें आप लोग जानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल, हमारे यहाँ संयुक्त फैमिली होती है, चाचा दादा सब लोग साथ रहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, परमाणु परिवार के क्या फायदे होते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चों की कम संख्या होती है, एक और दो दोनों होता है या समस्याओं से भरा हुआ होता है। न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली का परमाणु नहीं होगा, यहाँ पे देखिए हिंदी गलत लिखा हुआ, एकल परिवार होगा, ये गूगल ट्रांसलेट की वजह से गलत हो गया, एकल परिवार। क्या समस्या होती है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक और दो दोनों, क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। अभी आपने देखा पढ़ा था, बताइए, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी हम यहाँ पे विकास होता है बच्चों का, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और भावनात्मक विकास भी होता है परिवार। नेक्स्ट, लोगों को समय के साथ अपना घर क्यों बदलना पड़ता है, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, इनमें से कोई नहीं। आसान सवाल, बिल्कुल सही, देखिए देने लगे आंसर, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, नौकरी के लिए ना भाई, नौकरी कहीं लग गई, अपना पूरा परिवार लेके वहां चले गए, बीवी बच्चों को लेके चले गए, तो सचल खेलने के लिए कोई परिवार नहीं चेंज, मतलब अपना स्थान नहीं चेंज करता। अरस्तु के अनुसार मित्रता के प्रकार कितने हैं, अभी आपने देखा ही था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य क्या है, आर्थिक कार्य, शैक्षिक समारोह, सामाजिक कार्य, ये सभी, ऑब्वियस सी बात, सभी डी ऑप्शन, रोक्त सभी। नेक्स्ट, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिकता का अर्थ विशेषता से गुजरना, एक ही परिवार के सदस्यों के बीच अंतर, एक ही ब्लड ग्रुप का मिलान या फिर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ई जो है यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा,
अनुवांशिकता का अर्थ है विशेषता से। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर फैमिली क्या इकोनॉमिकल है, फिजिकल है, एलोननेस है या लेस वर्किंग इंट्रैक्शन। आसान सवाल क्या हो जाएगा, एलोननेस। भाई बच्चा जब अपने चाचा ताऊ सबके साथ बच्चों के साथ खेलेगा तब उसका ज्यादा विकास होगा मानसिक और शारीरिक भी। लेकिन अगर बच्चा अकेले है, एक मम्मी पापा है और एक बच्चा है, बच्चे का विकास फिर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, वो एकाकीपन फील करता है, अकेलापन फील करता है। नेक्स्ट, समाज की मूल इकाई क्या है, आदमी, महिला, बच्चे, परिवार। आसान सवाल परिवार हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवार का हिस्सा बनने के लिए क्या आवश्यक है, डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग। तो यहां पर बी ऑप्शन होगा स्वीकार, एक्सेप्टेंस। ठीक है, आवश्यक क्या है, एक्सेप्टेंस। एक परिवार का प्रतिनिधित्व किया जाता है वंश वृक्ष द्वारा, परिवार बाढ़ चार्ट द्वारा, पाई चार्ट, किसी से भी। तो आसान सवाल है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, वंश फैमिली ट्री, अभी मैंने बताया भी था। नेक्स्ट, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, क्वेश्चन खूब पूछा गया, और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बी ऑप्शन, ओ ही होगा, अभी आपने देखा था ना, ओ होगा। नेक्स्ट, अब ये सब क्वेश्चन है, कुछ आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, ये सब सवाल हैं आप लोगों के ही लिए हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट जो ये चैप्टर था परिवार, इसमें दो चार सवाल आ जाते हैं और अक्सर हम गलत कर देते हैं, तो इसलिए एक प्रॉपर वे में मैंने कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कलेक्ट किया, एक एक चैप्टर वाइज मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा, बहुत इजी इजी पॉइंट है, कुछ याद करना पड़ेगा तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ याद करना, और कोई प्रॉब्लम आप सबको, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं नहीं अभी कैसे खत्म हो जाएगा भाई, अभी ईवीएस खत्म नहीं हुआ है, अभी ईवीएस खत्म, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ दे दिया है यहाँ पे, मैं इसको पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये पीडीएफ मैंने पिन कर दिया दोस्तों, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ना, मिल गया। बिहार स्पेशल निखत में करवा दूंगा, मैं सभी करवा दूंगा, तो फिर अदर क्या करेंगे टीचर्स, वो भी अच्छा पढ़ाएंगे, कोई भी बात नहीं समझ में आएगी, पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा तो वो मैं करा दूंगा। अगर मान लीजिए आपका पूरा बिहार स्थलेशन में है तो क्वेश्चन के माध्यम से यूट्यूब में जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो मैं करवा दूँगा, एकदम चिंता मत कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री बहुत बाकी है, चलिए। तो दोस्तों अब रात काफी हो गई है, मुझे भी भोजन करना है, आप लोगों को भी, कई लोगों को खाना खाना होगा, कई लोगों को सोना होगा, कई लोगों को फुनियाना भी होगा, तो आप सभी अपना नियमित कार्य करें,
आज क्लास यहीं तक है, और बहुत ज़्यादा फोन आना सही बात नहीं, तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इसको, इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बहुत मेहनत करके कलेक्ट किया है, मेरी मेहनत की कदर कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा उसको एक दो बार देख लेंगे तो चीज़ें आसान आपको लगेगा आसान, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे ना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। हाँ तो एक टॉपिक कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है के जाजी, कल एक नए टॉपिक साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। और YouTube पर सभी लोग आइए प्रैक्टिस करने, 8 बजे क्लास चलाता हूँ मैं YouTube पर, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं जियो EVS एंड पॉलिटी भी ऐड कर दिया हूँ आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि पॉलिटी क्लास में ही पढ़ाऊंगा, अब इसके बाद पॉलिटी ही चलेगा आपका सब्जेक्ट, तो आप लोग कोशिश कीजिए 8 बजे यूट्यूब क्लास ज्वाइन करने की, अगर मान लीजिए लाइव रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, हंसते खेलते बढ़िया पढ़ाता हूँ, और मान लीजिए ना देख पाए उसको बाद में देख लीजिए, क्लियर। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि आप सभी को, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पर, थैंक यू।